चलिए दोस्तों, रेलवे स्टेशन गंगापुरसली का हाल बताते हैं। कौन सी गाड़ी चल रही है और कौन सी गाड़ी नहीं चल रही है और क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है रेलवे स्टेशन पर, किस तरह से यात्री आ सकता है, किस तरह से जा सकता है और कौन कौन सी ट्रेन सेवाएँ दे रही है, हम सारा हाल दिखाएंगे दोस्तों आपको। गंगापुरसली रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी गाड़ी चल रही है और किस क्या से यात्रियों को गुजरना पड़ता है कोरोना के पीरियड में। इसमें चलिए दोस्तों, हाल दिखाते हैं आपको गंगापुरसली रेलवे स्टेशन का, कौन सी गाड़ी चल रही है और किस तरह से यात्रियों को गुजरना पड़ता है और बाहर के यात्रियों के बारे में क्या गाइडलाइन कहती है। सर नमस्कार सर, यात्री बाहर के यात्रियों को किस तरह से गुजरना पड़ता है, क्या प्रक्रिया, सर कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ सर, जो ट्रेन में बाहर के यात्री आ रहे हैं, जैसे किसी पे मास्क नहीं है उसका भी चार्ज करते हैं 100 रुपये का या 500 रुपये का जी। और कोई भी अंदर आता है बिना मास्क के उसका भी चार्ज लगाया जाता है और कोविड जांच कराई जा रही है। और जो भी बाहर से आने वाली ट्रेनों में सभी यात्रियों की, जो भी बाहर का आदमी है राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र यूपी इधर से आता है, उनके सबकी जांच होती है रेलवे स्टेशन में। SDM ऑफिस से यहाँ आदमी लगे हुए हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है। देख रहे दोस्तों, GRP थाने के जवान बिल्कुल तैनात हैं यहाँ पर गंगापुर रेलवे स्टेशन पर। जैसे बाहर के यात्री आते हैं तो वो उनकी तरफ इशारा कर देते हैं और उनकी जांच के बिना बाहर की जांच भी चाहिए और नियमानुसार कार्रवाई भी कर रही है GRP पुलिस और RPF पुलिस। चलते दोस्तों, दिखाते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है। और यहाँ पर बराबर अस्पताल की बराबर टीम बैठी हुई है। सर गंगापुरसली रेलवे स्टेशन यात्रियों को आने के लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कुछ बताना चाहेंगे सर? सर मास्क लगा के आओ, जो बाहर से आ रहे हैं जैसे राजस्थान से बाहर से आ रहे हैं उनका सबका सैंपलिंग लिया जा रहा है, वो सैनिटाइजर से हाथ धोया जा रहा है और इस बार उसको सैंपल लेने के बाद उसको घर ले देते हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर अस्पताल की टीम बराबर बैठी हुई है और बिल्कुल जो बाहर से यात्री आ रहे हैं और ये जा रहे हैं उनकी सैंपल के बाद ही इनको आने दिया जा रहा है और जाने दिया जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल गंगापुर सिटी रेलवे अभी आया हूँ तो सर, हाँ सर मिर्जापुर से बयान आ जाए। बिल्कुल तैनात है दोस्तों, सख्ती से पूछताछ की जा रही है और सख्ती से गाइडलाइन का पालना भी बराबर सख्ती से पालना भी कराया जा रहा है। सर की टीम पे एक चार इसमें ATM में पैसे है या नहीं है मालूम करते। अरे भैया हेलो, ATM में पैसे है कि नहीं इसमें? दोस्तों SBI का ATM है और रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ है और यात्री भटक रहे हैं इसमें। सर इसमें अभी आप अंदर गए, पैसे नहीं है इसमें? किसी भी ATM में पैसे नहीं है, पिछले 4 दिन से देखा हूँ किसी भी ATM में पैसे नहीं। गंगापुर में किसी भी ATM में भी नहीं। दोस्तों काफ़ी ATM में पैसे नहीं है, लोगों का कहना है, हमारा शासन के अधिकारियों से कहना है इसमें पैसे भी डालें जिससे यात्रियों को भटकना ना पड़े। और हम आपको दोस्तों दिखा रहे हैं गंगापुरसली रेलवे स्टेशन का हाल, बिल्कुल गेट के पास में ही टीम बैठी हुई है अस्पताल की टीम, वो कोरोना की जांच करने के बाद भी बाहर के यात्रियों को जाने दिया जा रहा है दोस्तों। और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए देख रहे दोस्तों गंगापुरसली रेलवे स्टेशन पर बराबर हम आपको हाल दिखा रहे हैं। चलो अंदर से हम हाल दिखाते हैं आपको। Thank you.
प्रदेश में स्थिति ये है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कहने के बावजूद दो दो बार कहने के बावजूद लगा रहे हैं, रुमाल लगा के घूम रहे हैं, इनको कोई गाइडलाइन से मतलब नहीं है। बोलो क्या चाहिए सर? मुझे पूछना है, मतलब गुजरात से आ रहे बाहर से आने, बाहर से आने वाले यात्रियों की सभी की सैंपलिंग के बाद आने वाले यात्री जिनके पास आरटीपीसीआर की जांच नहीं है नेगेटिव की, उनकी सैंपलिंग यहाँ होती है जो इधर से आते हैं। देख रहे दोस्तों, बिल्कुल बाहर के यात्री आने जाने वाले यात्रियों की बिल्कुल सैंपलिंग के बाद ही जाने दिया जाता है, बराबर इसका सख्ती से पालना भी कराया जा रहा है। गंगा पुछड़ी रेलवे स्टेशन का हाल बता रहे हैं दोस्तों हम। अब हम बताना चाहेंगे आपको गंगा पुछड़ी के अंदर कौन सी ट्रेन चल रही है, कौन सी ट्रेन नहीं चल रही दोस्तों। सर जी न्यूज पोर्टल पर आपका स्वागत है और आप इस टाइम लाइव हैं। सर यात्रियों किस तरह से आ सकता है, किस तरह से जा सकता है और गंगापुर सिटी के लिए कौन सी ट्रेन चल रही है? सर ट्रेनें तो चले पहले से चली हुई है, वो बराबर सब चल रही है। वर्तमान में सर कौन कौन सी स्टैंड ट्रेन चल रही है? सर वर्तमान में अभी तो अवध एक्सप्रेस इधर कोटा के लिए गई हुई है, जयपुर भयाना जो जयपुर से भयाना चलती है वो अभी आएगी 10:30 बजे। और सर लोकल गाड़ियाँ कोई? लोकल गाड़ियाँ यही है अभी तो, और 1:13:20 पर घंटिया मेला आएगा दिल्ली के लिए, 12:00 बजे इधर महाराष्ट्र के लिए मेल आएगा, बाकी बिजली गाड़ियाँ भी है कई 051-84 जो सूरत से और गोरखपुर के लिए है, और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट 48 घंटे की वो आपको लानी पड़ेगी पैसेंजर्स को। बाहर से आने वाले यात्रियों को, महाराष्ट्र से और केरला वाले से या गुजरात से आने वाले आदमियों को नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी 48 घंटे। और सर क्या गाइडलाइन पालना कराया जा रहा है रेलवे की तरफ से? सर अभी तो यही है मास्क लगाना, दो गज दूरी प्लेटफॉर्म पे अपने गोले। और सर जो यात्री टिकट किस प्रकार ले सकता है, आरक्षित करा के लेगा या? आरक्षित ही टिकट मिल रहा है, मगर एक ही गाड़ी है जो जयपुर से भयाना चलती है 097-41, उसके लिए अनरिजर्व टिकट है, और बाकी की एक्सप्रेस गाड़ियों में गाड़ियों के सब रिजर्वेशन टिकट है, रिजर्व करवाएं। और सर वो एक कोई अगर टिकट कंफर्म अगर नहीं होता है, कोई बुक कराता है तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश रहेंगे सर? वेटिंग टिकट वैसे अलाउ नहीं है, वेटिंग टिकट वाले नहीं जा सकते गाड़ी, कंफर्म टिकट ही है। लेकिन सर वेटिंग में अगर उसका पैसा तो लग जाता है इसके यात्री का, और पैसा फिर बाद में अगर रिटर्न कराओगे तो कटता भी, यात्री को नुकसान तो रहता है, कैंसिलेशन का जो चार्ज है वो कटेगा। वैसे एक यात्री इस पर टिकट यात्रा तो कर ही रहे हैं सर? यात्रा तो कर ही रहे हैं, करने को तो मजबूरी में कर ही रहे। देख रहे दोस्तों हम आपको लाइव दिखा रहे थे गंगा पुछड़ी रेलवे स्टेशन ट्रेनों को हाल, और बिल्कुल यात्री कम है इस टाइम। रेलवे स्टेशन पर बराबर शांति बनी हुई है और भीड़ भाड़ ही कम है। सर गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी ट्रेन चल रही है और यात्रियों को किस तरह की गाइडलाइन का पालना करना चाहिए? अभी सभी जो भी ट्रेनें चल रही है वो सब रेगुलर जो शेड्यूल वाली है वो चल रही है समय पे, और जो कोरोना की जो गाइडलाइन को उसी हिसाब से मतलब यात्रियों को ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर गेट पे एंट्री पॉइंट पे। और बाहर के यात्रियों को क्या कहना चाहेंगे सर? जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको मतलब कोरोना के हिसाब से यहाँ पर मतलब स्टेशन पर एंट्री दी जा रही है, और मतलब जो यात्री जा रहे हैं उनको टेस्ट करके मतलब कोरोना के टेस्ट के द्वारा उनको बाहर जाया जा रहा है। देख रहे दोस्तों हम आपको लाइव गंगा पुछड़ी रेलवे स्टेशन की जानकारी दे रहे थे गाड़ियों की, और बराबर आपकी जो गलत फहमियाँ थी लोगों को तरह तरह के हमसे सवाल कर रहे थे उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे दोस्तों। एक जयपुर बयाना गाड़ी ऐसी है जो अनारक्षित है, वो आप जाते आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन बाकी एक्सप्रेस गाड़ियों को आपको
टिकट आरक्षित कराना पड़ेगा। कृपया ध्यान दीजिए हवाई मार्ग के यात्री रेल को जाने वाली बराबर दोस्तों, हम आपको गंगा पुष्ली रेलवे स्टेशन की जानकारी दे रहे थे ट्रेनों के मामले में। और दोस्तों अब हम आपको देंगे बसों के बारे में जानकारी, कौन सी बस चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। दोस्तों हम ये गंगा पुष्ली रेलवे स्टेशन से आपको लाइव दिखा रहे थे। चलते हैं अगली खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस खबर को शेयर करें, इससे और यात्रियों को जानकारी मिल सके।